तो हेलो टॉप ट्रेडर्स, कैसे हो आप सारे। वेलकम टू द चैनल टॉप ट्रेडर। आज का जो वीडियो है ना, काफ़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से अपने 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो गाइस, उसी ओकेजन में अपन एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं IPO रिलेटेड। पर उससे पहले जो भी नया है इस चैनल में, मैं बता देता हूँ, जो टॉप ट्रेडर चैनल है वो एक स्टॉक मार्केट में एजुकेशनल प्रोवाइड करने वाला चैनल है। इसमें मैं अपना जो एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, उसके थ्रू A to Z नॉलेज मैं आपको टॉप ट्रेडर के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा नॉलेज। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, हम रोज़ लाइव स्ट्रीम्स भी करते हैं इस चैनल पे। जैसे कि हमने आइनॉक्स के लिस्टिंग के दिन एक लाइव स्ट्रीम की थी और लोगों को उसी दिन लाइव पे बताया था कि आप इसको लंबा होल्ड कर सकते हो या आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो गाइज, ये वीडियो भी आपको चैनल पे दिख जाएगा। और ऐसे ही अपकमिंग लाइव स्ट्रीम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम वीडियो कंटेंट भी लाते हैं, शॉर्ट्स कंटेंट भी लाते हैं, तो हर तरह का कंटेंट रहेगा स्टॉक मार्केट में A to Z तरह का। तो गाइस, अब अपन आज का जो वीडियो का मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि IPO होता क्या है, IPO में आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे अपनी अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करनी है। तो चलो, नेक्स्ट पीडीएफ मैंने एक PDF बनाई है उसके ऊपर चलते हैं, उस पर मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा। हाँ तो गाइज, ये अपनी पूरी PDF IPO से रिलेटेड पूरा कंटेंट है इसमें। तो जिसको भी ये PDF चाहिए होगी वो कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल ID लिख सकता है। उसके बाद मैं ईमेल ID पे ये जो PDF होगी वो आपको सेंड कर दूंगा। तो आज के टॉपिक पे आते हैं, बेसिकली व्हाट इज एन IPO। तो आप लोग, काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं IPO में पर उनको मतलब नहीं पता होता IPO का। तो गाइज, ये डेफिनेशन है, ये आप पढ़ सकते हो डेफिनेशन, ये पूरी डेफिनेशन है। पर उससे बढ़िया मैं आपको पूरी एक आसान शब्द में बताऊंगा कि IPO होता क्या है। ठीक है, तो ये समझो, एक कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है, जब वो सबसे पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक में लेके आती है उसको कहते हैं अपन IPO। उसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो गाइज, IPO का जो मतलब होता है उसमें देखो, सबसे पहले कंपनी का जो ओनरशिप होता है ना, वो प्राइवेट ओनरशिप से पब्लिक ओनरशिप में बदल जाता है। तो आपने कभी सुना होगा कि जब IPO आती है तो वो कंपनी कहती है कि हम पब्लिक जा रहे हैं, गोइंग पब्लिक। तो इसका मतलब यही है कि कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट ओनरशिप से पब्लिक ओनरशिप में बदल जाती है। अब कंपनी IPO से क्या करती है, IPO से वो फंड रेज करती है अपने शेयर्स बेच के पब्लिक को। तो देखो, फंड रेज करती है तो वो कुछ भी, इसको जो फंड्स होता है वो कहीं भी यूज़ कर सकती है। बेसिकली कंपनी के कुछ डेट्स चल रहे होते हैं, या उनका कुछ ग्रोथ इनिशिएटिव होता है, कुछ उनका ग्रोथ प्लान होता है, तो वो गाइस उसमें वो पैसा लगा सकती है, या फिर वो अपनी पब्लिक प्रोफाइल इंक्रीज कर रही है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है गाइस। जो कंपनी होती है वो IPO का लिए ये बेनिफिट्स होते हैं कि वो अपना डेट्स चुका सकते हैं या कुछ ग्रोथ कर सकते हैं। तो और पर आप जैसे आप लोग इन्वेस्टर्स हो तो कंपनी में आप क्यों इन्वेस्ट करो, तो उसका एक बेनिफिट होता है कि जो कंपनीज होती हैं ये जब भी अपना IPO लेके आती हैं तो उसमें जो इनकी IPO प्राइस होती है ना, वो कभी कभार डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाती है, आपको सस्ते भाव पे मिल जाती है। तो उसमें आपका एक चांस रहता है कि आप एक प्रॉफिट बना सको। तो वैसे ही मैं आपको बताऊंगा, ये डेटा बैकअप डेटा लेके आया हूँ मैं गाइज। आज की जो डेट है, जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, वो 24th of December है। तो उससे पहले कुछ IPOs लिस्ट हो चुके हैं जो क्लोज हो चुके हैं, है ना। मैं उनका डेटा बता देता हूँ आपको। जैसे ये कंपनी थी आइनॉक्स CVA, उस वो अपनी IPO लेके आई थी अराउंड 660 के प्राइस पे। वो कंपनी ने 660 के प्राइस पे आपको एक मतलब IPO लेके आई थी। उसमें गाइज, इसमें IPOs में लॉट्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग होती है, तो अराउंड 15,000 रुपीज़ का एक लॉट आता है, उसमें कितने भी शेयर आ सकते हैं। तो इस कंपनी ने 660 रुपीज़ का पर शेयर रखा गया था IPO में। और गाइज, मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उस दिन ये 933 की प्राइस पे लिस्ट हुआ था, तो अराउंड 41.4% का गेन मिला था। जो जो भी इन्वेस्टर जिनको अलॉट हुए थे उनको 41.4% का पर शेयर का गेन मिला था। तो आप समझ सकते हो, 15,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपको 41% गेन मिल गया था सिर्फ IPO में। ऐसे ही टाटा टेक्नोलॉजीज का बताता हूँ मैं आपको। टाटा टेक्नोलॉजीज में 500 रुपीज़ का इशू प्राइस था, मतलब कंपनी ने हर एक इंडिविजुअल को 500 रुपीज़ पर शेयर का IPO में अलॉटमेंट दिया था। और उसके अगेंस्ट जो मार्केट ओपन हुआ था वो अराउंड 1200 की प्राइस पे ओपन हुआ था, दैट इज अराउंड 140% का गेन है। और गाइज, आप अगर आज भी देखोगे तो टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर जो आप देख लेना कि अराउंड करंट प्राइस अराउंड 1208 चल रही है, और जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उस दिन ही कितना ऊंचा गया था। तो ठीक है, ऐसा ही डॉम्स का मैं बता देता हूँ। डॉम्स में अराउंड 790 की प्राइस इश्यू प्राइस थी और उसके अगेंस्ट 1400 की प्राइस ओपनिंग हुई थी, दैट इज 77.2% का गेन। तो गाइज, फॉर रिटेलर ये अराउंड 15,000 रुपये का लॉट होता है एक मिनिमम लॉट, और आप मैक्सिमम कितना भी लगा सकते हो, अराउंड 2 लाख तक का होता है। तो इसमें आप अराउंड 77% का गेन आपको पर लॉट मिला था।
हाँ तो गाइस बहुत सारे आईपीओ आते रहते हैं, पर आपको कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेने चाहिए। और इस चैनल पे हम आपको पूरा ऐसे नॉलेज देंगे कि जिससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है। उसमें हम आपको रिकमेंड भी करते हैं कि कौन सी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, ये फेड बैंक आईपीओ था, उस पर इशू प्राइस थी अराउंड 140 रुपीज़, और जिस दिन ये लिस्ट हुआ वो अराउंड 137 रुपीज़ का लिस्ट हुआ। तो पर शेयर आपको -1.6% का गेन हुआ, मतलब आपको पर शेयर 1.6% का लॉस हुआ। तो गाइस ऐसा भी होता है स्टॉक आईपीओज पे, कभी कभार लॉसेज भी होते हैं। तो आपको कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है वो आपको इस चैनल के थ्रू नॉलेज मिल जाएगी। हाँ तो गाइस अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव योर चांसेज ऑफ आईपीओ अलॉटमेंट। तो अगर आप कभी भी अप्लाई कर रहे हो तो आप ये पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना आप नेक्स्ट आईपीओ में अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो पहला केस है उसमें जो जो रिटेल इन्वेस्टर गलतियां करता है ना आईपीओ अप्लाई करते वक्त, वो क्या करता है, वो सिंगल पैन पे मल्टीपल एप्लीकेशन भरता है। तो गाइस जैसे आपका अकाउंट, अगर आपका खुद अकाउंट है तो आपके डिफरेंट मल्टीपल ब्रोकर्स पे अकाउंट होंगे, जैसे आपका अगर धन पे है, ग्रो पे है, एंजल पे है, अपस्टॉक्स पे, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स पे। पर आपकी जो आईडी होती है वो पैन नंबर होता है वो सेम होता है। तो सेबी क्या करती है, सेबी जब देखती है कि सिंगल पैन पे मल्टीपल एप्लीकेशन आती है तो वो उसको इनवैलिड एप्लीकेशन की तरह कंसीडर करती है और उसको रिजेक्ट कर देती है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा कभी कर रहे हो, एक ही सिंगल पैन पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन लगा रहे हो, तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं उसमें, और आपके जो आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस होंगे वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो इस केस अगर आपके पास गाइस एक्स्ट्रा मनी होता है, अगर आप अप्लाई दूसरे उससे कर सकते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम पे अप्लाई करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक मेथड है जिसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी आईपीओ मिलने की वो बढ़ जाएगी। क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है, आप एक मल्टीपल अकाउंट से मल्टीपल एप्लीकेशन भर रहे हो, तो गाइस इन क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम होता है, तो इसमें जितने ज़्यादा आपकी एंट्रीज होंगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी या तो फैमिली के आपके नाम पे खुल जाए या आपके नाम पे खुल जाए। तो प्लीज़ कभी भी आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करो तो आप मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करो। जैसे अगर आप पहले एक लॉट में चार एप्लीकेशन भरते थे, तो अब आप क्या करो, चार अकाउंट्स में सिंगल सिंगल एप्लीकेशन भरो और आप देखना आपके आईपीओ जो अलॉटमेंट चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो गाइस एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टोटल एलोकेशन दैट रिटेल इन्वेस्टर्स गेट। तो देखो इसमें आईपीओ टू आईपीओ वेरी करता है जनरली, ठीक है, पर कुछ फिक्स्ड है कि 35% ऑफ इशू साइज जो होता है वो रिटेल एलोकेशन में जाता है, ठीक है। और कुछ कुछ केस में जो इसमें जो रिजर्व होता है 10% कोटा फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स होता है, और 75% कैन बी एलोकेटेड टू इंस्टीट्यूशनल बायर्स। जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होगा वो बेसिकली HNIs, QIBs होगा, ठीक है। तो आपको जैसे कोई भी इश्यू साइज अगर 1000 करोड़ का है तो 35% जो होगा वो रिटेल एलोकेशन पे जाएगा। तो ठीक है, ये कुछ ये मैंने आपको बस नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आती है कि गाइस आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं लोअर एंड ऑफ प्राइस रेंज पे अप्लाई करूँ या अपर एंड पे। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको हरदम अपर एंड दैट इज कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है। कभी भी उससे कम बिलो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने जो जो भी अलॉटमेंट के चांसेस है उसको पूरा 0% कर दे रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल हो, कोई आई कंपनी ने अपना आईपीओ लाया रेंज में 553 टू 556 की रेंज में, ठीक है, और आपने इसको अप्लाई कर दिया 540 555 पे। तो उससे क्या होगा, जो भी इन्वेस्टर ये ओवर सब्सक्राइब है तो 556 वाले जो इन्वेस्टर्स होंगे ना, सिर्फ उनका नाम ही आएगा अलॉटमेंट में, आपका जो नाम होगा ना वो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 556 पे वैसे ही बायर्स हो चुके हैं। तो आपको जब भी अप्लाई करना है तो आपको 556 पे अप्लाई करना है, दैट इज कट ऑफ प्राइस, ठीक है। तभी आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। एक और डाउट आता है कि मिनिमम लॉट कितना, एप्लीकेशन कोई भी रिटेलर इन्वेस्टर कितना अप्लाई कर सकता है, मिनिमम लॉट्स और मैक्सिमम कितना कर सकता है। तो भाई देखो, जनरल लॉट जो वैल्यू होती है ना वो 15,000 की होती है, ठीक है, ये वेरी कर सकती है, मिनिमम जा सकता है 13,500 से 15,000 तक की एवरेज रहती है। और आप रिटेलर इन्वेस्टर हो तो आप मिनिमम तो 1 लॉट लगा सकते हो और मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीज़ की तक लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई अंडर सब्सक्राइब है तो उसमें आप अपने लॉट्स इंक्रीज कर सकते हो, अराउंड टू अपना 2 लाख तक का अमाउंट लगा सकते हो, ठीक है। और इसमें एक और डाउट आता है, कहीं आप रिटेलर इन्वेस्टर हो पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं HNIs, QIBs, तो उनका भी अलॉटमेंट इसी तरह होता है क्या? देखो उनका ऐसे नहीं होता, उनका कुछ प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रहता है, ठीक है। उसका जो QIBs और HNIs है ना, वो उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे होता है उनको। तो इसका बस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर उन्होंने 1000 शेयर्स अप्लाई किया है तो अराउंड, अगर उनका ओवर सब्सक्राइब होता है तो अराउंड 600 शेयर्स उनको मिल गए। तो ऐसा कुछ रूल होता है इनमें, ठीक है, उनमें लॉट का सिस्टम नहीं रहता, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि
आईपीओ अलॉटमेंट में अगर आप अप्लाई कौन से दिन पे करना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि डे वन पे आप चाहे ना करो, पर आप डे टू पे कर दो अप्लाई। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, डे टू पे अप्लाई करते हैं ना जो लोग, जो डे थ्री पे लास्ट डे पे अप्लाई करते हैं, तो उनकी कभी कभार मैंडेट ही नहीं आती, तो वो मैंडेट ही नहीं फिल कर पाते, तो उसकी वजह से उनकी जो चांसेस होती है ना वो जीरो हो जाती है। तो मैं आपको, अगर कोई भी आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा या तो आप डे वन में अप्लाई कर दो या डे टू पे अप्लाई कर दो। और गाइस, हम जो भी रिकमेंडेशन होती है वो डे वन पे ही ला देते हैं, उससे पहले ही ला देते हैं, तो आप हमारे चैनल को देख के डे वन या डे टू पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो डे टू पे आप लगाओगे तो आपका मैंडेट भी अप्रूव हो जाएगा, मैंडेट भी उसी दिन आ जाता है, या अगर लेट होता है तो अगले दिन आ जाएगा, तो आप उससे अप्लाई कर सकते हो और आपकी चांसेस बढ़ा सकते हो। तो कुछ टिप्स है जो मैं, टिप्स पर्सनल टिप्स है, मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन में मल्टीपल फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशन भरनी है, ठीक है। आपका डिफरेंट अकाउंट से आपको अप्लाई करना है आईपीओ में, ठीक है, और एक कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है, ठीक है। एंड पुट एज मैनी एज लॉट्स यू कैन। तो इसमें क्या होता है, अगर अंडर सब्सक्राइब है तो आप कितने भी बहुत सारे लॉट्स भर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपकी जो चांसेस होगी वो एक लॉट से ज्यादा की वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो और आपको जब भी डिटेल्स भरनी है तो प्लीज जो भी फॉर्म भरोगे ना उसमें आपको डिटेल्स करेक्टली भरनी, क्योंकि रिजेक्शन के बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। तो गाइस, अब मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया कि कैसे आप अपनी इंक्रीज कर सकते हो चांसेस। अब मैं आपको लाइव बताऊंगा कि मैं एक आईपीओ पर अप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। ये मेरा ब्रोकिंग अकाउंट है, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई ब्रोकिंग अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसमें लिंक है, सीधे आप अपना अकाउंट खोल लोगे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि इनोवा कैपिटल लैब लिमिटेड की कंपनी का आईपीओ आ रखा है अभी, ठीक है, उसमें कुछ डिटेल्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,784 रुपीज़ है, ठीक है, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम अराउंड 2 लाख का मैंने आपको बताया था। तो जैसे एक इसमें प्राइस रेंज है 426 to 448। अब ये गाइस, ये जो आईपीओ है ये ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो मुझे 426 to 448 की प्राइस रेंज तो दे रखी है, पर मुझे अप्लाई हरदम 448 पे करना है। तो मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ, ये आईपीओ कुछ डेट्स है, ठीक है। अब मैं अप्लाई करूंगा तो इसमें आपको कुछ डिटेल्स आ रही है। इसमें आपको नंबर ऑफ लॉट्स टू बाय, तो आप जैसे ही ओवर सब्सक्राइब है तो आपको सिर्फ सिंगल लॉट भरना है, और आपको अपनी चांसेस इंक्रीज करने के लिए अपने डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के भी सिंगल सिंगल लॉट भरना है। अब देखो ये प्राइस आ गई 448। अगर मैं इसको कम करता हूँ, 447 भी करता हूँ ना, तो इसमें देखो ये मुझे नोटिफिकेशन बता रहा है कि बिडिंग एट प्राइस लोअर देन कट ऑफ विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ योर अलॉटमेंट। तो गाइस, अगर आप कट ऑफ प्राइस से कम भर रहे हो तो आपकी बिल्कुल जो चांस होगी वो जीरो हो जाएगी अलॉटमेंट मिलने की, क्योंकि आपसे ज्यादा जो बायर्स है वो रेडी है 448 पे। तो आपको हरदम कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है, और ये आपको यूपीआई आईडी आपकी डिटेल डालनी, जो भी आपकी यूपीआई आईडी है, ठीक है। मैं इधर अपनी यूपीआई आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको भी अपनी करेक्ट यूपीआई आईडी डालनी है, और इसमें सीधे आपको अप्लाई फॉर आईपीओ कर देना है। तो भाई, जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो आपको ये प्रोसीड करना है, और आपको इसमें बता देंगे कि ऐसे ऑर्डर प्लेस आ जाएगा, और आपने जहाँ भी अपनी आईडी लिखी है, ठीक है, आपकी जहाँ भी आपकी आपने पेटीएम से भरा है, गूगल पे, तो उसको आपका मैंडेट आ जाएगा, आपको उसके बाद फिल करना है। तो गाइस, इसके बाद आपको अपने, जैसे आपने पेमेंट कर दिया, अभी मार्केट हॉलीडे है, ठीक है, अगर मैं इधर अप्लाई कर देता हूँ ना, मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो इस पे जैसे ग्रीन टिक है ना, ये ग्रीन टिक हो जाएगा अप्रूव पेमेंट। इसका मतलब है कि आपने अपनी तरफ से सब कर दिया है, आपने आईपीओ भर भी दिया, अप्लाई भी कर दिया, और आपने पेमेंट भी कर दिया, तो ये ऐसे ग्रीन टिक हो जाएगा, ठीक है, और इसमें आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएगी। तो ऐसे गाइज, ऐसे ही करना होता है आईपीओ में अप्लाई, ठीक है। तो यही वीडियो था गाइज आज का आईपीओ। मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है, क्या चांसेस कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। अगर आपका कुछ और भी डाउट है तो आप इस पे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं आपके डाउट्स। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं, और नेक्स्ट टॉपिक्स पे किस वीडियोस पे बनाऊं, ठीक है। तब तक के लिए आप ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।